हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड टुडेज टॉपिक इज सेलुलर इंजरी। इससे पहले हमने पढ़ा था सेलुलर अडेप्टेशन। सो अगर आपने सेलुलर अडेप्टेशन नहीं पढ़ा है तो सेलुलर अडेप्टेशन का वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर के पहले पढ़ लीजिए, तब हम करते हैं आप सेलुलर इंजरी। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सेलुलर इंजरी क्या होती है? मीन सेल को इंजरी हो जाना, ठीक है, ट्रॉमा। अब किस किस वजह से हो सकता है, सेल किस किस वजह से इंजर्ड हो सकता है? पहला तो है रिड्यूस सेल इंजरी। सेल रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई है ये, ठीक है। फर्स्ट इज रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। सो अगर सेल को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है तो सेल का क्या होगा कि न्यूट्रिएंट जो उसको चाहिए वो प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से सेल इंजर्ड हो जाएगा और फंक्शनिंग में प्रॉब्लम करेगा। फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका, या फिर शॉक, या फिर है ना ट्रॉमा, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से लाइक माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशनल बैलेंस, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ इडियोपैथिक फैक्टर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जो है सेल को इंजरी हो सकती है, सेल इंजर्ड हो सकता है। और अगर सेल इंजर्ड होगा तो बॉडी की फंक्शनिंग में अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, और बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। सो ये सारे रीजंस थे आपके सेलुलर इंजरी के। एक और होता है इसमें केमिकल इंजरी, ठीक है। केमिकल इंजरी भी हो सकती है सेल को, लाइक पॉइजन की वजह से, ठीक है, हैवी मेटल्स एंड पॉइजन की वजह से, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए या एल्कलाइंस हो गए, तो इनकी वजह से सेल जो है इंजर्ड हो सकता है। ये हो सकते हैं कॉजेस। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ सेल इंजरी। सो दो टाइप के होते हैं ये, एक तो इरिवर्सिबल होता है, एक रिवर्सिबल होता है। चलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस क्या क्या होते हैं सेल के अंदर। सो रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है कि अगर इफ द स्टिमुलस इज एक्यूट एंड ब्रीफ, दिस सेल इंजरी प्रोड्यूसेस इन द सेल इज रिवर्सिबल। अगर स्ट्यूमलेस जो है वो एक्यूट है और ब्रीफ है तो जो इंजरी प्रोड्यूस होगी वो रिवर्सिबल है, मीन्स वो ठीक हो सकती है। लाइक एग्जाम्पल के लिए देखें तो स्वेलिंग का होना या फैटी चेंज होना, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मीन्स अगर कहीं पर स्वेलिंग हो गई है तो फिर 2-3 दिनों में आप देखते हैं कि वो स्वेलिंग वहाँ से हट भी जाती है, तो दैट इज रिवर्सिबल चेंजेस। एंड नेक्स्ट इज फैटी चेंज, सेकेंड इज इरिवर्सिबल चेंजेस। अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है कि अगर इफ द सेल इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्टिन्यूसली इंजरिंग, अगर सेल को कॉन्टिन्यूस इंजरी हो रही है लाइक क्रोनिक इन्फेक्शंस में जैसे होता है, तो अगर ऐसा हो रहा है और या फिर इंजरी सीवियर है तो वो जो सेल है ना उसकी जो चेंजेस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, मीन्स वो ठीक नहीं हो सकते, लाइक नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में होता है। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ये। सो फर्स्ट इज नेक्रोसिस की बात करें अगर हम, तो नेक्रोसिस क्या होता है, ये एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। पैथोलॉजिकल मीन्स कि माइक्रोब्स हो गए या डिजीज कंडीशन से रिलेटेड प्रोसेस है ये, ठीक है, नॉर्मल नहीं होता जो कि, और जिसकी वजह से सेल की डेथ होती है। अब नेक्रोसिस के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? नेक्रोसिस के कॉजेस जो हैं वही है हो सकते हैं जो हमने पहले अभी सेल इंजरी में पढ़े थे, लाइक फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, ठीक है, इडियोपैथिक फैक्टर्स और रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। सो ये सारी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी है वही सारी रीजंस की वजह से जो है नेक्रोसिस होता है। सो नेक्रोसिस के टाइप्स होते हैं बहुत सारे, देखते हैं। फर्स्ट इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केसियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, गैंग्रीन एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। सो ये सारे टाइप्स हैं नेक्रोसिस के, एक एक करके जो है डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस। सो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि बहुत ही कॉमन टाइप का नेक्रोसिस है, जब द आउटलाइन ऑफ द डेड टिश्यू इज प्रिजर्व फॉर फ्यू डेज, ठीक है, जो डेड टिश्यूज हो जाते हैं, सेल कोई ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यू जो है डेड हो गए हैं तो उसको क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए प्रिजर्व रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। लाइक अगर कोगुलेटिव नेक्रोसिस की हम बात करें तो
कॉजेस इसकी हो गए इशीमिया की वजह से। अब ऑर्गन कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है, हार्ट में, किडनी में और स्प्लीन में ये हो सकता है। तो जो कोगलेटिव नेक्रोसिस होता है, लाइक अगर हम किडनी की बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक किडनी का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। किडनी की बात करें तो किडनी का जो डायग्राम होता है, लाइक, तो अगर यहाँ पर नेक्रोसिस हुआ है, अगर हम इस पार्ट में माने कि नेक्रोसिस हुआ है, तो ये जो पार्ट है ना, ये वेज शेप्ड का होगा, और यहाँ से जो ब्लड सप्लाई उस तक जा रही है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इशीमिया हो गया है, और इशीमिया की वजह से कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ है इस पार्ट को। तो जिस पार्ट में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, वो पार्ट देखने में कैसा लगता है, कि एक तो वो पेल दिखेगा, ड्राई दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा, और येलो कलर का वो पार्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो वो पार्ट हमें कैसा दिखता है, येलो कलर का दिखाई देता है। ये जो पार्ट होगा ना, दिस इज लुक वाइज इट लुक्स येलो एंड पेल, ड्राई और सॉफ्ट। सो दिस इज द कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या होता है, कि जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है, द डेड टिश्यू रैपिडली अंडरगोज टू द सॉफ्टनिंग। जो टिश्यू डेड हुए हैं किसी भी ऑर्गन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनिंग होती है उनकी, और वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक लिक्विड से स्टेट में, लाइक पस फॉर्मेशन जैसे होता है, उस तरीके का वहाँ पर फिल हो जाता है। कॉजेस इसके हो सकते हैं इश्चीमिया, इन्फेक्शन, और ऑर्गन अफेक्टेड हो सकते हैं ब्रेन, ठीक है। सो जिस तरीके से पस का फॉर्मेशन होता है, उसी तरीके से ये होता है, ये बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है, और जो ऑर्गन में हुआ है उस टिश्यू को, वो बहुत सॉफ्ट कर देता है, और वहाँ पर पस लाइक फॉर्मेशन होने लग जाता है, लिक्विड फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाती है, ठीक है, जिसमें कि सेल डेब्रिस, डेड ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज केसियस नेक्रोसिस। अब केसियस नेक्रोसिस क्या होता है, ये कंबाइन होता है बोथ का, जो हमने पहले दोनों पढ़े उन दोनों का, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का और कोगुलेटिव नेक्रोसिस, बोथ का कंबाइन ये मिलकर के जो है केसियस नेक्रोसिस बनता है। कॉजेस हो सकते हैं इसके हाइपर सेंसिटिविटी और टीबी। ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट हो सकते हैं, लाइक लंग्स, लिम्फ नोड, ठीक है, ये ऑर्गन जो है अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इसमें भी जो अफेक्टेड एरिया होगा, इसमें भी जो अफेक्टेड एरिया होगा वो येलो कलर का दिखेगा, ठीक है, और वाइटिश कलर का कुछ सॉफ्ट होगा वो एरिया, और उसके साथ साथ फ्राई एबल होगा, ठीक है। तो ये है उस एरिया की अपियरेंस, जो कि लंग्स में या लिम्फ नोड में हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट केसियस नेक्रोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट नेक्रोसिस की। सो फैट नेक्रोसिस में क्या होता है, कि इट इज़ अ कंडीशन दैट अकर व्हेन इंजरी एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन टू एन एरिया ऑफ फैटी टिश्यू। जहाँ पर फैटी टिश्यूज होते हैं, अगर वहाँ पर इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर फैट नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। इट इज़ एंजाइमेटिक और ट्रॉमेटिक, ये दो टाइप्स की होती है, एक तो एंजाइमेटिक भी हो सकती है, एक ट्रॉमेटिक भी हो सकती है, ठीक है। सो ये दो टाइप्स की आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज गैंग्रीन। अब गैंग्रीन क्या होता है, कि गैंग्रीन इज डिफाइंड एज मैसिव नेक्रोसिस विद सुपरएडेड पुट्रफेक्शन। इट इज डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ फाउल स्मेलिंग सबस्टांस एंड गैसेस। जहाँ पर गैंग्रीन होता है, अगर आपने कभी पेशेंट को देखा हो हॉस्पिटल में, तो जिस भी पेशेंट को गैंग्रीन होता है, एक वहाँ पर एक तो उस ऑर्गन से, ऑर्गन नहीं, उस पार्ट से उसके बॉडी के एक फाउल सी स्मेल आ रही होती है, ठीक है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे, जो कि इस स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं और गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो स्मेल उस जगह पर आती है, ठीक है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, एक तो ऑक्लूजन हो सकता है, एक वीनस ब्लॉकेज हो सकता है। अगर वीनस ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, कि वहां तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, इशीमिया, ऑब्स्ट्रक्शन, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, नेक्रोसिस, सेल डेड, सेल इंजरी, कितने सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। तो उन सब की वजह से जो है गैंग्रीन हुआ है वहाँ पर। अब गैंग्रीन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज ड्राई एंड सेकेंड इज वेट, ठीक है। दो टाइप के गैंग्रीन होते हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अनदर वीडियो में, जिसका सेपरेट गैंग्रीन का वीडियो बनेगा, उस पर हम ड्राई और वेट गैंग्रीन को डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम कंसिस्ट करेंगे तो
तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी की। सो मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या, कि कैसा वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है जिस भी पार्ट में जो है कि ये हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि नेक्रोसिस वाले पार्ट पे होता क्या है। सो नेक्रोसिस के मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो न्यूक्लियर होता है उसमें चेंजेस होते हैं। फर्स्ट चेंजेस उसमें तीन तरीके से होते हैं। फर्स्ट इज काइनोसिस, जिसमें कि न्यूक्लियर अपीयर होता है। न्यूक्लियर कैसा दिखता है, सॉलिड श्रिंकन एंड डार्क ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, सेकेंड इज कैरियोलाइसिस, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो फेड सा दिखाई देता है, मीन्स क्लियर नहीं दिखाई देता, और बड़ा घोस्ट न्यूक्लियर उसका साइज जो है बड़ा दिखाई देता है। थर्ड इज कैरियोहेक्सिस, जिसमें कि न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन, न्यूक्लियस जो है हमें टूटे टूटे टुकड़ों में जो है दिखाई देता है। सो दिस इज द नेक्रोसिस। अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें यहाँ पर, लाइक ये आपका नॉर्मल सेल है, ये इसका नॉर्मल न्यूक्लियस है। अगर हम पहला ड्रॉ करें कैरियोलाइसिस, ठीक है, कैरियोलाइसिस, कैरियोलाइसिस में क्या होगा, ये हो गया सेल, और जो सेल के अंदर, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ना, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा वो इस तरीके से फेड दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा, और जाइंट मीन्स बड़ा न्यूक्लियस होगा। दिस इज कैरियोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या था, कैरियोहेक्सिस, KARYOHEXIS, कैरियोहेक्सिस। कैरियोहेक्सिस में क्या होगा, लाइक ये है आपका सेल, तो जो इसके न्यूक्लियस है वो ऐसे ब्रेक डाउन दिखाई देंगे, टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई देंगे। थर्ड हमने लिखा था, फर्स्ट वाला जो हमने लिख रहा था काइनोसिस, ठीक है, पिकनोसिस। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका ये सेल है, जो सेल का न्यूक्लियस है वो बहुत ही डार्क कलर का, सॉलिड, ठीक है, एक तो सॉलिड दिखाई देगा, एक श्रंकिन सा दिखाई देगा। दिस इज न्यूक्लियस, अगर हम डार्क दिखाई देगा और श्रंकिन थोड़ा सा, और डीपली बेसोफेलिक सा दिखाई देता है। सो दिस इज योर नेक्रोसिस, कैरियोलाइसिस, कैरियोहेक्सिस और पिकनोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट नेक्रोसिस। अब हम बात कर लेते हैं एपोप्टोसिस की। सो एपोप्टोसिस क्या होता है, कि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जब सेल का काम पूरा हो जाता है बॉडी में, तो सेल की जो लाइफ होती है 120 डेज की होती है, RBC की अगर हम बात कर ले, तो वो ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद न्यू सेल्स बनते हैं, तो वही रीजन है। टाइप ऑफ सेल डेथ है इस, जिसमें कि एक्टिव एंजाइम दैट डिग्रेड द सेल ओन न्यूक्लियर DNA एंड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। ठीक है, जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिग्रेड होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, फिर नया सेल बनता है दूसरी टाइप से, ये सब हम देखेंगे इसमें। कॉजेस की बात करें तो फिजियोलॉजिकल कॉजेस में क्या क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल कॉजेस में पहला क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम पे, फर्स्ट। सेकेंड इज अगर एलिमिनेशन ऑफ सेल आफ्टर विदड्रॉल हार्मोनल स्टिमुलाई, हार्मोनल स्टिमुलाई की वजह से सेल का एलिमिनेशन होना। ठीक है, अब हार्मोनल स्टिमुलाई की वजह से कैसे, एक एग्जांपल की बात कर ले अगर हम, तो इसमें क्या होता है, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम इसमें ले लें तो दैट विल बी ओके इन दैट। थर्ड इज एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्स, ठीक है, ऐसे सेल्स जो बॉडी को हार्म करते हैं उनका एलिमिनेशन होना। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, है ना, ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में होता है। सो दिस इज फिजियोलॉजिकल सिचुएशन जब एपोप्टोसिस बॉडी करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, पहले हमने अभी मॉर्फोलॉजी करी थी, अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो सेल होता है वो श्रिंकन दिखाई देता है, न्यूक्लियस जो होता है उसका कंडेंसेशन करता है, और फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज एंड ब्लब्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसको, दिस इज नॉर्मल सेल, ठीक है, दिस इज नॉर्मल सेल, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया जो कुछ होता है वो कुछ इसके अंदर सब आपको ड्रॉ करना है। अब एपोप्टोटिक होगा स्टार्ट, तो कैसे होगा, जो सेल है ना उसके अंदर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर कंडेंसेशन करता है, तो अब हम न्यूक्लियर को कंडेंसेशन करता हुआ दिखाएंगे। दिस इज सेल, ब्लब्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो दिखाई दे रहे हैं, पहले सेल ऐसा था नॉर्मल, ये जो दिखाई दे रहे इसे हम बोलते हैं ब्लब्स, ब्लब्स का फॉर्मेशन हुआ। साथ में हमने क्या लिखा था,
कि जो न्यूक्लियस है उसका कंडेंसेशन होता है, दिस इज न्यूक्लियस ना, तो ये जो न्यूक्लियस है इसका कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस कंडेंसेशन हुआ। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज बनती है। अब इसके बाद यहाँ पर एपोप्टोटिक बॉडीज बनाते हैं, दिस इज योर सेल, ठीक है, न्यूक्लियस का कंडेंसेशन हुआ था। अब छोटी छोटी सी सेल के टुकड़े, एपोप्टोटिक बॉडीज, सेल जो है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया है, सेल कुछ यहाँ बचा है, कुछ ऐसे ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस। तो सेल का ब्रेकडाउन होने की वजह से सेल के टुकड़े हो गए हैं छोटे छोटे से, और इसको हम बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज, ठीक है, एपोप्टोटिक बॉडीज। एपोप्टोटिक बॉडीज बनने के बाद में क्या होती है, इसके बाद मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, लाइक ये आपका सेल का एपोप्टोटिक बॉडीज हैं दो, बाकी इधर है, अगर आप सूर्य को यहाँ ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये एपोप्टोटिक बॉडीज है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर होगा अब मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये अब मैक्रोफेजेस वाले सेल्स है, इसको मैक्रोफेज होगा और फैगोसाइटोसिस होगा, मैक्रोफेजेस एंड फैगोसाइटोसिस ऑफ दैट बॉडीज, इन बॉडीज का जो है मैक्रोफेजेस होगा और फैगोसाइटोसिस होगा, देन ये फिर अपना जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो बॉडी के अंदर स्टार्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एपोप्टोटिक एपोप्टोसिस, दिस इज नॉर्मल सेल, उसके बाद ब्लेब्स का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियस का कंडेंसेशन होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज बनती है। एपोप्टोटिक बॉडीज को जो है ये जो सेल्स हैं ये वाली दोनों, ये मैक्रोफेजेस करती हैं और फैगोसाइटोसिस करती हैं, फिर इसका जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होगा वो बॉडी में रिलीज होगा, बॉडी से ब्रेकआउट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। सो दिस इज योर एपोप्टोसिस। ये जो डायग्राम है जो मैंने बना करके यहाँ पर पेस्ट कर रखा है, ये आप देख सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, आपको समझ आएगा कि हुआ कैसे, बाकी हमने इसको अभी डिटेल में भी पढ़ लिया था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्यूलर इंजरी। सेल्यूलर इंजरी के अंदर दो टाइप हमने पढ़ी, एक तो नेक्रोसिस और एक अपोप्टोसिस। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, अगर आप यहाँ तक देख ही चुके हैं तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा। साथ ही में यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देखिए, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस सीन इन MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में किस टाइप का जो है नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्रोसिस के हमने टाइप्स पढ़े थे, तो आपको बताना है कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा उसमें किस टाइप का नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा। हमने मोर्फोलॉजी भी कहीं ना कहीं 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 पर पढ़ी है किसी किसी की अभी, कि दिखता कैसा है होने के बाद, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप गेस करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही अब तक देखने के लिए थैंक यू, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। सो यस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।